राम राम किसान साथियों, आज हम भिवाड़ी में आए हुए हैं। यहाँ पे 38वीं राज्य पशु प्रदर्शनी लगी हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं राजकीय हैचरी फार्म हिसार ने अपनी स्टाल लगाई हुई है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्कीम है, यहाँ पे जो गरीब किसान हैं उनके लिए बैकयार्ड के लिए एक पोल्ट्री की स्कीम है इनके पास। उसमें ये फ्री चूजे और उनके लिए जो भी खाने के लिए फीड होता है, कई तरह की सुविधाएं ये फ्री में उपलब्ध करवा देते हैं, चूजे भी फ्री में उपलब्ध करवाते हैं। उन सब की हम जानकारी लेंगे, क्या स्कीम है, किस किस किसान को इसका फ़ायदा मिलेगा, सर से मिलते हैं और सभी तरह की जानकारी हम लेते हैं। बने रहिए वीडियो में। जो किसान साथी नए आए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंद किसानों के साथ शेयर करें। मैं YouTube चैनल और मेरे साथियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और इस योजना के बारे में बताने का मौका दिया। यह जो मेला प्रदर्शनी 38वीं पशुपालन विभाग और हरियाणा सरकार के द्वारा लगाई गई है भिवानी जिला के अंदर, जिसके अंदर हमें भी मौका दिया गया है कि आप अपनी स्टाल को भी लगाएं। ये जो स्कीम है हमारे राजकीय हैचरी फार्म हिसार के अंदर एकमात्र संस्थान है हरियाणा के अंदर, गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही हैचरी संस्थान है ये। इस संस्थान के अंदर जो ये योजना है, यह योजना SC और BPL गरीब किसानों के लिए है, जिसके अंदर गरीब किसानों को 50 चूजे फीडर और ड्रिंकर निःशुल्क उसके घर पे जाके वितरित किए जाते हैं, जिससे कि वो इनके अंडे बेच के या पक्षी बेच के अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, जो कि एक हरियाणा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का हमारे का एक लक्ष्य है। इस स्कीम के अंतर्गत हम किसान गरीब किसानों को देसी ब्रीड के नस्ल जैसे कि चैब्रो, कारी, असील, यह उनके घर पे जाके वितरित किए जाते हैं। 50 चूजों के साथ साथ 2 फीडर, 2 ड्रिंकर और चिक्स बॉक्स और ये उनको घर पे उपलब्ध करवाने का हमारी ये योजना है। इस योजना के अंतर्गत हम गरीब किसानों के लिए कुछ प्रशिक्षण का भी प्रावधान किया हुआ है, जिसके अंतर्गत हमारे वहाँ के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर साहब, सहायक निदेशक जी संगीता दलाल जी और GLF के चीफ सुपरिटेंडेंट के द्वारा यह प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि यहाँ तस्वीरों के अंदर भी दिखाया गया है। यह जो ट्रेनिंग का सिस्टम होता है, वो 7 दिन का ट्रेनिंग हम वहाँ पे पोल्ट्री की दी जाती है, जिससे गरीब किसान है वो अपनी ट्रेनिंग करके जो हम ये चूजे वितरित करेंगे वो घर पे जाके अपने घर के अंदर उनको पाल सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। जो 50 चूजे दिए जाते हैं वो देसी नस्ल के दिए जाते हैं, जो कि हमने डम्मी बना के हमारे यहाँ मॉडल रखे हुए हैं। इसके अंदर ये 3 ब्रीड रखी हुई है हमने, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में वाइट और ब्लैक सी है, वो है चैब्रो, जो कि चंडीगढ़ से लाई जाती है, बिल्कुल इंडिजीनियस ब्रीड है। सेकंड जो है वो कारी, ये कारी जो है बरेली UP से लाई जाती है, इसलिए इन ब्रीड्स को, देसी ब्रीड को इसलिए हम उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि यह हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप ग्रो कर जाती हैं। तीसरी ब्रीड जो है वही कारी की रेड है, ये क्रॉस है कारी का। तो ये तीनों ब्रीड हमारे सप्लाई के अंदर भी ये सप्लाई निःशुल्क वितरित की जाती है। गरीब किसानों को ट्रेनिंग के साथ साथ हमारे राजकीय हैचरी फार्म के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं, जिसमें उच्च अधिकारी सम्मिलित हैं, और इस पैम्पलेट के अंतर्गत इसमें हमारे डिपार्टमेंट के जो मुख्य चिकित्सक हैं उनके नंबर दिए हुए हैं, जिनके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके वो अपनी जो भी जानकारी है पक्षियों के बारे में, बर्ड्स के बारे में लेना चाहते हैं, उनको हम बिल्कुल वहाँ पे, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप का जो स्टाफ है, पूरा टीम है, वो उसके ऊपर काम कर रही है। थैंक यू, धन्यवाद सर का, जो इन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। और किसान साथियों, अगर आपको भी, आप भी इस कैटेगरी में आते हैं और आपको भी इस तरह की सुविधा का लाभ लेना है, इस तरह की स्कीम का लाभ लेना है, तो आप ले सकते हैं और एक छोटी सी इनकम अपने परिवार के लिए शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान।